फ्रेंड, क्या कोई 5,000 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान और तर्क शास्त्री कहते हैं कि नहीं, किसी इंसान का 5,000 साल तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। हम भी यही मानते हैं, कोई इंसान कोई जानवर धरती पर 5,000 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हिंदुस्तान में ये एक ऐसा जगह है जहाँ के लोग हर रोज ये दावा करते हैं कि कोई जो पिछले 5 साल से भटक रहा है। वो जगह है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर, और शहर के किनारे ऊंची पहाड़ी पर बना असीरगढ़ का किला। लोगों के इस अंधविश्वास का असली सच दुनिया के सामने लाने के लिए IBN 7 की टीम भी इस किले पर पहुंची थी, ये सोचकर कि उस अनजान परछाई को कैमरे में कैद कर लेंगे और गांव वालों का वर्षों पुराना वहम दूर कर जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिसने हमें भी हैरान कर दिया। किले के चारों तरफ जंगल है, आसपास कोई रिहायशी भी नहीं है, लेकिन खेती के सिलसिले में कुछ गांव वाले हैं अक्सर यहाँ आते हैं। उनसे कुछ ऐसे ही शख्स होते हैं जिनका सामना उस अनजान शख्स से हो जाता है। गांव वालों से अब तक हमने जो कहानी सुनी वो ये थी कि कोई है जो पिछले 5,000 साल से इन किले में भटक रहा है, उसके माथे पर खून निकलता है। वो कोई परछाई, कोई छाया, कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वो एक जीता जागता इंसान है जो लोगों से बातें करता है। गांव वालों ने जिस अनजान शख्स का जिक्र किया उससे मिलता जुलता एक किरदार महाभारत में भी अश्वत्थामा था। गांव वालों के मुताबिक वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है। पौराणिक कहानियों के मुताबिक पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उनके माथे से मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को युगो युगो तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। वैसे देश में ऐसी कई जगह जहाँ अश्वत्थामा की मौजूदगी का दावा किया जाता है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि अश्वत्थामा की असली ठिकाना असीरगढ़ का यही किला है।